वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ आपको क्या क्या करेंगे और कैसे कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। तो बनी रही मेरे वीडियो के साथ, स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या पहनने वाले हैं। तो ये कुर्ती जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसे मैंने बनाया है। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी इसे देख सकते हैं बनाना, अगर इंटरेस्टेड है तो। और इसके साथ मैंने मीशो का ये प्लाजो वेयर किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये प्लाजो मैंने 6 सेट वाला खरीदा है ओनली 415 रुपीज पे। हाँ, क्योंकि उस समय सेल चल रही थी तो मुझे बहुत डिस्काउंट में मिल गया था। और बहुत ही अच्छा प्लाजो है, लाइक्रा का है, सॉफ्ट है। तो अलग अलग कलर का मैंने खरीदा है, तो मैं कोई भी ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकती हूँ। अगर आपको भी खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी मीशो में लिंक तो नहीं होता, मैं कोड आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है डिजाइन। तो मम्मी पहन रही है ये वाली कुर्ती, देखिए इस तरीके से पैच बना हुआ है और सिंपली है, कॉटन का है। और जो मैंने मीशो से प्लाजो खरीदा था वो एक और प्लाजो है ऑरेंज कलर का, और इसे हमने फ्लिपकार्ट से खरीदा था। बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिस्ट है कुर्ती। तो आज हम यही कुर्ती पहनेंगे और उसके बाद मम्मी जब पूजा करेगी तो साड़ी वेयर करेगी। तो कंटिन्यू रहिए। तो दोस्तों मम्मी ने ये कुर्ती पहनी है, पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसके बाद की ब्लॉगिंग मम्मी करने वाली है, देखते बात सुनी जाए। तो देखिए हमारे ब्लॉगिंग में साइकिल आ गया है, अब इसे हटाएगा कौन? बाहुबली मैं। तो इसे मैंने हटा दिया, मम्मी यहाँ पे आरती कर रही है तुलसी माता की। यहाँ पे मैंने फूलों की माला बना ली है, इस तरीके से मैं यहाँ पे बहुत सारी मालियाँ बना लूँगी। वाइट कलर का फूल है। यहाँ पे मम्मी आसन सजा रही है। নিজে বৌ ভাই বৌ দিয়ে ছিল আমার ঘরে পূজার সময়, গৃহ প্রবেশের সময়। ছোট্ট সিংহাসন, মানে খুব সুন্দর দেখতে, গোপালটাও খুব সুন্দর। এটা পঞ্চতত্ত্ব ফটো, এটা আমার পঞ্চতত্ত্ব ফটো, রাসের মেলার থেকে নিয়েছিলাম। এটা আমার ছোট্ট লাড্ডু গোপাল, আমার মা নিয়েছিল পুরী থেকে। আর এটা আমার মা নিয়েছিল পুরী থেকে, জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম। এটা আমার গীতা, আমার মেজে বোন দিয়েছিল আমার পুজো করার জন্য। আর এটা আমার লক্ষ্মী মাতা। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने अभिषेक के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने जो लड्डू गोपाल हमारे राधा कृष्ण हैं उनका अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी भूल जाती है कि क्या बनाया हमने। अर्जल घी, ঘি, দই, দুধ, মধু, চিনি, হয়ে গেল কম চাম দিতে। আমি অভিষেক হরে কৃষ্ণ। अभिषेक होने के बाद उन्हें अच्छे से स्नान करा के मैं पोशाक पहना दूंगी। देखिए मैंने पोशाक बनाया है नेट कपड़े से। मैं अपने राधा रानी को इस तरीके से सुंदर तरीके से सजा दूंगी। देखिए कितना प्यारा फ्रॉक बना है। और ऐसे ही मैंने सारे अपने लड्डू गोपाल और कृष्ण जी के लिए ऐसे ही
वस्त्र बनाए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है कि काश मैं भी इस तरीके का पहन पाती, इतना क्यूट लग रही है मेरी राधा मैया। अब मैंने मैचिंग की चूड़ियां भी इन्हें पहना दी है, देखिए अब मैंने सिंगार कर दूंगी इनका, पूरा सिंगार कर दूंगी। देखिए सिंगार करने के बाद दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है मेरी राधा रानी। तो ऐसे ही हम सारे जो हमारी मूर्तियां हैं उसे मैंने सजा लिया है और आसन पर विराजमान कर दिया है। देखिए अब मैं अपने आसन को फूलों से सुंदर से सजा दूंगी। मम्मी यहाँ पे भोग बना रही है, देखिए बहुत सारे पूड़ियां तलेगी, बहुत सारे यहाँ पे पकोड़े बनाए गए हैं, केले के पकोड़े हैं और यहाँ पे और कुछ कुछ व्यंजन बनेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सब चूल्हे पर ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आरती शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भोग में फल, पूड़ी, मिठाइयाँ, पकोड़े, हलवा बना हुआ है कृष्ण जी के लिए और यहाँ आसन भी लगा दिया गया है भगवान के लिए, भगवान जी के लिए। अब वो यहाँ पे विराजमान होके भोग करेंगे। सो एवरीवन यहीं पे खत्म होता है हमारा ब्लॉग। अब मैं देने जा रही हूँ तो दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी कंटेंट्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।